इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रेंट के बारे में बताऊंगा, प्लस बताऊंगा कि आप लोग रेंट कैसे खोज सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप जाके चादर ढकिए, एक मोटा कोट, अगर आपको ठंडा लग रहा है तो, नहीं तो मेरा वेट कीजिए, हम ढक के आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कम ठंडा लग रहा है भाई, मजा आ गया। एक रेंट लिस्ट हुआ यहाँ पे जिसका नाम है rentwalain.com। इस वेबसाइट में आप लोगों को रेंट ओनर का नंबर भी मिल जाएगा, प्लस आप रेंटर भी खोज सकते हो अपने फ्लैट के लिए। ठीक है, अब ये जो फ्लैट लिस्ट हुआ ये एक 2BHK फ्लैट है, एंड ये ओबियस है कि यहाँ पे आप लोगों को 2 बेडरूम, एक हॉल एंड एक किचन मिलेगा। बेडरूम कॉमन साइज का होगा एंड बाथरूम हॉल में अटैच है। बेडरूम में बालकनी भी होगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से देना होगा आपको, जो कि ज़्यादा आता नहीं है जनरली, बट बता दे रहा हूँ कि आपको अलग से देना होगा। ये फ्लैट ITI बस स्टैंड नियर देव कमल हॉस्पिटल के पास है। ओनर का नाम है कोमल, कोमल ने इस फ्लैट को लिस्ट किया है रेंट वाला इन में। इन्होंने इसीलिए लिस्ट किया है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अपना रेंट को यहाँ पे लिस्ट करोगे तो वो तो दिखाएगा, मगर आप अगर स्पेसिफिक सर्च भी करोगे ना तो वो भी दिख जाएगा, एंड इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिस्ट किया है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग अपना रेंट कैसे खोल सकते हैं। पहला बात तो, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, एंड पैसे नहीं है, तो आप अपने पैसे लगा के खुद से किसी भी एरिया में जाके सर्च करो एंड पता करने की कोशिश करो क्या वहाँ पे कोई रेंट है आपके अकॉर्डिंग। दूसरा तरीका, आप ऑनलाइन कोई भी लिस्टिंग वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, प्लस यहाँ पे फ्री में लिस्टिंग होने के वजह से फ्रॉड भी आ जाते हैं। तीसरा तरीका, फोन अ फ्रेंड, आप अपने दोस्त को फ़ोन कर सकते हो एंड पूछ सकते हो कि भैया, दोस्त, यार, उधर कहीं पे रेंट है क्या? आप ऐसा बोल के उन लोगों से पूछ सकते हो। देखो, पूछने में कोई पैसे नहीं लगते हैं एंड वो आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, तो वो लोग शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया है, हेल्प करने के लिए लोग आगे रहते ही हैं, दिक्कत है। चौथा एंड सबसे महंगा तरीका, आप डीलर को भी पकड़ सकते हो, लेकिन मैं डीलर को प्रीफर नहीं करूँगा क्योंकि डीलर जो होते हैं वो जनरली बड़ा रेंट को डील करने में विश्वास रखते हैं, मतलब कि 10,000 का रेंट इन सभी में वो लोग डील करने में विश्वास करते हैं क्योंकि इन लोगों का उन सभी से मोटा पैसा आता है। प्लस ये लोग भारत को आगे बढ़ाने में कभी काम नहीं देते हैं एंड इसीलिए मैं डीलर को पसंद नहीं करता हूँ। जी हाँ, हाँ जी, मैं पसंद नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ एंड मैं करूँगा भी नहीं। जिस चीज़ के पैसे नहीं लगने चाहिए उन पैसा को होल्ड करके ये लोग अल्टीमेटली में एक बड़ा सा हॉस्टल बनाते हैं एंड कहाँ बनाते हैं, सिटी बनाते हैं एंड क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो बैठ के आराम से खाते रहते हैं एंड इसीलिए शायद मैं डीलर को ऐड करता हूँ, और कोई बड़ा कारण नहीं है। थैंक यू।